नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कश्मीर से 370 हटाए जाने और इसके बाद पाकिस्तान द्वारा भारत की इमेज खराब करने के लिए फैलाए जा रहे झूठ को लेकर पाकिस्तान पहले ही पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अब भारत का सबसे बड़ा विरोधी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस फैसले को लेकर मोदी की शान में कसीदे पढ़े हैं। साथ ही कश्मीर में मुस्लिमों के जनसंहार का दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को जमकर लताड़ लगाई। अब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत का समर्थन किया। अमेरिकी विश्लेषक रोजर कोहेन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने लेख में लिखा है कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर भारत ने इसे अपना अभिन्न अंग बना लिया। ये फैसला जम्मू कश्मीर के विकास और उसके बेहतर भविष्य के लिहाज से काफी अच्छा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले को किसी भी सूरत में वापस लेने वाले नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार अपने किसी लेख में भारत के इस कदम का समर्थन किया है। रोजर कोहेन आगे लिखते हैं, मोदी कश्मीर की स्वायत्तता को खत्म करने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय इतिहास का वो दौर खत्म हो चुका है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मोदी सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले नए और एकीकृत कश्मीर क्षेत्र समेत पूरे भारत की तस्वीर बदलने वाला है। कोहेन ने इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए लिखा है कि उन्हें भारत के इस फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक बात बता दें कि कोहेन ने ये लेख इमरान ट्रंप की सोमवार को हुई मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही लिखा था। कोहेन ने आगे लिखा है कि ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कश्मीर मुद्दे पर भारत के कदम का समर्थन कर चुके हैं। ये सच है कि भारत के इस फैसले के बाद से कश्मीर में खून खराबा कम हुआ है। बावजूद इसके पाकिस्तान लगातार कश्मीर में नरसंहार बढ़ने के झूठे आरोप लगा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी के पास कश्मीर मुद्दे पर कोई विकल्प था? क्या अस्थायी रूप से लागू किया गया अनुच्छेद 370 कभी भी कश्मीर द्वारा समाप्त किया जाता? क्या कभी ऐसा होता कि स्थानीय भ्रष्ट राजनेता और सक्षम लोग कश्मीरी जनता के गले मिलते और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करते? मुझे लगता है कि अब यह हो सकता है। भारत के धुर विरोधी और अमेरिका के बेहद प्रभावशाली समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर मुद्दे पर समर्थन भरा ये लेख इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अन्य नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाली मुलाकात से ठीक पहले आया है। रोजर कोहेन ने अपने लेख में उम्मीद जताई है कि इस मुलाकात में भी पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को जरूर उठाएगा। कोहेन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के रवैये पर तीखी आलोचना करते हुए उनकी प्रतिक्रिया को जंगली करार दिया। मालूम हो कि पाकिस्तान पीएम मोदी पर एक वर्ग विशेष से सहानुभूति रखने, उन्हें फांसीवादी नेता और उनके द्वारा कश्मीर में मुस्लिमों का नरसंहार करने के झूठे आरोप लगाते रहे। इस पर कोहेन ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए लिखा है कि आपका झूठा प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि पाकिस्तान जब जब भारत पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाता है, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और हिंदू महिलाओं पर होने वाले अमानवीय अत्याचार दुनिया से छिपा नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान यहाँ पर कश्मीर में मुस्लिमों के उत्पीड़न और नरसंहार का झूठे सबूतों के आधार पर घेरने का नाकाम प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से ये बात कही जा सकती है कि मोदी की रणनीति और भारतीय विदेश मंत्रालय के कुशल रणनीति की वजह से इमरान खान पाकिस्तान और पाक विदेश मंत्रालय बुरी तरह से घिर चुके हैं और पाकिस्तान को विश्व बिरादरी के सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगने से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। खुद इमरान खान अपने ही घर में घिर चुके हैं और विपक्ष के साथ ही साथ अब मीडिया भी इमरान खान की नाकामी को गिनने लगा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बचा और वो अब महासभा में कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर राग अलापेगा। अब देखना होगा कि महासभा में होता क्या है, लेकिन जो होगा भारत के लिए अच्छा ही होगा।